हमारे साथ में एसडीएम प्रखर उत्तम जी हैं कौसाम्बी से, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत करेंगे। और तालियों में ऊर्जा चाहिए, जरा जोरदार तालियां लगनी चाहिए। और उनका स्वागत करेंगे हम लोग इस पर तिलक लगा करके। इसमें दो सौभाग्य हैं, आप एसडीएम तो ही हैं, साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो ज्ञान में खुदी माता जी चल रही हैं उनके बेटे भी हैं, तो दो सौभाग्य हैं। तालियां बजाते रहिए, जिसको अभिनंदन महसूस होना चाहिए। मैं प्रखर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में शेयर करें इस ज्ञान का यूज, और अपनी लाइफ में उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं एज ए प्रोफेशन में, और इस ज्ञान ने उनको क्या मदद करी है, इसको रिकॉर्ड जरूर कर लें क्योंकि ये हमारी मदद करेगा। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी, परम आदरणीय सभी दीदियां यहाँ पर जो उपस्थित हैं, भाई साहब, और मेरी सारी पुरानी जितनी मैं यहाँ देख रहा हूँ बहनें बैठी हुई हैं, आंटी बैठी हुई हैं, बचपन से हम लोग यहाँ पे हैं। तो अभी भाई साहब जैसी बात कर रहे थे, तो हमारा या मेरा जुड़ाव मैं बोलूँगा इस संस्था से, बाबा से, ये मेरे जो दादाजी थे और मेरी माता जी हैं उनके माध्यम से हुआ, और लगभग 22 साल हो गए मुझे लगता है, बिनकी में थे तब हम लोग, और तब से फिर मम्मी यहाँ पे लाई और हम लोग तो यहीं पे थे, और फिर हमारे मेरे घर में ही ये गीता पाठशाला चलती थी, पहले वहीं पे होता था, 2002-03 की बात है, स्टार्टिंग में वहीं पे होता था, और तब से वो बीज की बात अभी हम कर रहे थे कि वो बीज जो पड़ जाता है तो वो पूरे जीवन रहता है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी भी तरह के कार्य में आप लगे हों, वो एक बार यदि बीज पड़ गया तो वो फिर पौधा, और पौधे के बाद फिर वृक्ष बनता ही है, और जिस तरह का आप बीज डालते हैं उसी हिसाब से फल मिलता है। तो अगर बाबा की कृपा आप पर हो गई है, आप बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो ये तो लाजमी बात है कि आप तो फलदार वृक्ष ही बनेंगे, और तो कुछ हो नहीं सकता है, और जितना देंगे उतना बढ़ेंगे, यही बाबा की सीख है। जितना हमें देवता बनना है, हमें लेवता बनना नहीं है, तो देने वाले ही बनेंगे। तो स्टार्टिंग से रहा ऐसा, और अभी जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और मैं कई बार आया हूँ, जब भी मैं आता हूँ कानपुर मुझे मौका मिलता है, वैसे तो इस प्रोफेशन में छुट्टियाँ होती नहीं हैं, पर ये शायद बाबा ने मुझे बुलाया था, और बिल्कुल बाबा ने ही बुलाया, तो इसलिए मैं आज यहाँ आ पाया। कल ही मैं आया हूँ, और आज ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज मैं यहाँ पे दादी जी से मिलने का मुझे मौका मिला, आप सब से मिलने का मौका मिला, तो बाबा ने यहाँ बुलाया मुझे। मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि हम बात कर रहे थे किस तरह से हम अपने जीवन में जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, योग की बात करते हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, कैसे आज के समय में जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभी माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, किस तरह से हम अपने बच्चों के जीवन में योग के माध्यम से, अध्यात्म एक चीज होती है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जो अध्यात्म होता है एक जीने का तरीका होता है, जो संस्कार होते हैं जो हमें मिलते हैं हमारे माता पिता से, हमारे अगल बगल के परिवेश से, हमें जो जिस अध्यात्म या जिस गुरु को हम फॉलो करते हैं उसके माध्यम से, तो ये सभी चीजें हमें एक तरीका सिखाती हैं जीवन जीने का। अलग अलग तरह के कार्य करता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशन में जाता है, कोई आईटी, आईएम, आईएएस, पीसीएस, अलग अलग प्रोफेशन है, छोटे सा एक शॉपकीपर भी होता है, दुकान वाला भी होता है, वो भी एक कार्य कर रहा है, वो भी अपने आप में प्रेरणादायी है, से लेकर के बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है वो भी अपने आप में है। लेकिन किस तरह से ये योग हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति जो एक छोटी दुकान या एक सामान्य व्यक्ति है या एक छोटे कार्य में है, कोई कार्य छोटा नहीं होता, परंतु मैं एक परिपेक्ष में बात कर रहा हूँ कि कैसे इफेक्ट करता है, हम किस तरह से सोचते हैं, काम होता है, काम के साथ बहुत सारी टेंशन्स भी होती हैं, स्ट्रेस होती है ना, और किस तरह से हमें अपना जीवन यापन करना है। तो ये जो योग है, अध्यात्म है, बाबा है, मुरली है, ये हमें तरीका सिखाती है किस तरह से हम उस पूरे स्ट्रेस को, किसी भी फील्ड में हो, आप बड़े से बड़े पद में चले जाएंगे आपको उसी हिसाब का प्रेशर होगा,
आप किसी छोटे या मीगर जॉब में होंगे उसमें भी आपको उतना ही प्रेशर होगा, उसको हम कैसे हैंडल करें, ये तरीका है, वो कला है जो हमें योग सिखाता है, जो बाबा की जो शिक्षा है उसके माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को आसान बनाएं, ये हमें यहाँ पे प्रतिदिन जो मुरली के माध्यम से के जो देती हैं, जो ज्ञान देती हैं, उसके माध्यम से मिलता है। दूसरी एक टेक्निक है बहुत आजकल चल रही है बच्चों के अंदर मेडिटेशन का, जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और बड़े शहरों में आप जाएंगे तो वहां पे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को इनरोल कराते हैं कि हमारे बच्चों का फोकस नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस रहते हैं, कैसे करूं, पढ़ाई में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, ये वो सब कुछ करते हैं। हम जब योग लगाते हैं तो मेडिटेशन जो है वो आपकी क्षमता को बढ़ाता है, फोकस, रिटेंशन, सब कुछ को इम्प्रूव करता है। तो जो उस परिप्रेक्ष्य की भाई साहब बात कर रहे थे किस तरह से आज के पेरेंट्स करें, तो ये आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, न सिर्फ आध्यात्म या अच्छे संस्कार लाने में अपितु उसके साथ में ही आपके जो बच्चे के प्रोफेशन है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई उसमें कैसे वो बेटर करे उसमें भी सहायता करेगा। और ये तो मुझे लगता है तो पूरी तरह से फायदे का ही सौदा है कि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व, बाबा के बच्चे भी बन रहे हैं और उसके साथ में इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं इससे अच्छा, इससे अच्छी कोई एक चीज हो सकती है जो मिले। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मतलब मैंने तो चमत्कार देखे होते हुए, कहते हैं बाबा चमत्कार नहीं करता है लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं और मैंने किया है। हर दिन उठ के मेरे रूम के सामने, जब मैं पढ़ाई करता था तभी भी मैं लेके गया था, यहीं से लेके गया था, मम्मी ने दिया था मुझे कि बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ये मेरे सामने रहा है बचपन से लेकर के जब मैं हॉस्टल में था, उसके पहले मैं स्कूल में था, तो मेरे हमेशा रूम के सामने मम्मी ने लगा दिया था कि बस ये देखिए कोई भी चीज है सब कुछ बाबा पर छोड़ दो, वो सब कुछ वो करण करावन हार है, वो आप वो जीवन रूपी नैया वो पार लगाएगा, सब छोड़ दो उस पर, बस हमारा कार्य है हम अपना कर्म करें, बाकी सब बाबा पर छोड़ दें। और यही मेरे साथ हुआ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। सुबह उठकर हर दिन जब मैं योग लगाता था, जब पढ़ाई भी कर रहा था, और बाबा कहता है हर चीज आप सोचिए ये मेरे साथ हो रहा है और मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, मेरे अगल बगल आप इमेजिन करिए और आप उसको आपके साथ होगा वो, और वो मेरे साथ सब कुछ हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ एक चमत्कार, आप वो एक ऐसी चीज है, वो आशीर्वाद है शायद जो आपको मिलेगा अगर आप दिल से कनेक्ट करते हो उनसे, योग जो योग होता है कनेक्ट, वो योग लग रहा है यदि आपका, और लगेगा, बिल्कुल लगेगा आपको अगर आप, आपको तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर के आसपास में ही इतना अच्छा है, सेंटर्स खुले हुए हैं, कई सेंटर्स हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 सेंटर्स खुल गए तब से, आसपास में ही एक वहां पे है और 2 यहाँ पे मुझे बताए जा रहे हैं। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल मिस ना करें ये मुरली को, और दीदियों और दादी के जो यहाँ पे मिलन होता है उसको बिल्कुल ना मिस करें। हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, कौशाम्बी में वहां पे थोड़ा आसपास नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी हम लोग की चूंकि वही बात है, आदत है, तो सुबह उठ के ही हम लोग 4 बजे 4:30 बजे उठ करके ही योग लगता है, फिर मुरली ऑनलाइन आती है, सब कुछ ऑनलाइन है, तो सीधा माउंट आबू से हम लोग मुरली सुनते हैं, पर यहाँ पे आकर के डायरेक्टली दीदी के माध्यम से, दादी जी के माध्यम से सुनना वो एक अलग है जीवन में। अपने अगल बगल आस पड़ोस जितने भी लोगों को आप बता सके कि आप जुड़िए, ये एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में जो आनंद की बात होती है। एक होता है सफलता पाना, लेकिन सफलता पाने से आनंद मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सफलता जब आप पा जाओगे उसके बाद बस वहीं पे खत्म, उसके बाद लगता है आप नेक्स्ट क्या, लेकिन जो जीवन का आनंद है, जो सुख है, वो सुख आपको तभी मिलेगा जब आप उस अलौकिक शक्ति से अपने आप को भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, जो कहते हैं हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट मानते हुए उस ईश्वर से जुड़ेंगे, तो वो जो आनंद होता है आपको जीवन में, आपकी फील्ड में भी, आपके परिवार में भी नई खुशियां लेकर के आएगा। ये लोगों तक पहुंचाइए, आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं उनसे बोलिए, आप जुड़िए, एक बार आके बस एक्सपीरियंस करें। 7 दिन का कोर्स है, अगर वो भी नहीं तो दीदी से मिला दीजिए, वो अपने आप वो एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि लोग आकर्षित होते हुए चले आते हैं यहाँ पे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सब कुछ जो मैं पाया हूँ, मैं ये तो मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि यदि बाबा नहीं होते तो शायद चीजें बहुत डिफरेंट होती, बहुत अलग होती, पर चूंकि वो मेरे साथ थे, हर पल 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 चलते बाबा मेरे साथ, और शायद मैं इसलिए पा पाया हूँ हर छोटी बड़ी चीज के लिए,
और ये हर चीज आप भी एक्सपीरियंस करेंगे और करते ही होंगे। आज इसीलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सब लोग, मैं तो बहुतों को यहाँ जान रहा हूँ, जो तब से मैं देख रहा हूँ उन चेहरों को जो लगे हुए जादू को अनुभव कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी मैं यही अनुरोध करूंगा, आप भी अनुभव करें और लोगों तक पहुंचाएं। एक बहुत ही खास चीज है, और जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो कहते हैं ना बाबा ने जिनको अपना बना लिया है, वही इस चीज को समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग भटके भी हुए हैं, शायद अभी भक्ति में है या अलग जगह, वो भी सब बाबा के बच्चे हैं, बस उनको थोड़ा डायरेक्शन की आवश्यकता है। उसका काम हम करेंगे, हम और आप मतलब, और हम उनको लाए और उनको वो एक्सपीरियंस जो हमने अनुभव किया है उन तक बताएं, तो शायद बहुत ही एक सुंदर चीज होगी और हमारा जो अल्टीमेट मकसद है वो भी हम उसमें भी सफल होंगे। ओम शांति।